हांसी के गांव सैनीपुरा में आज सरपंच पद के चुनाव को लेकर एक पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में ग्रामीणों द्वारा सर्वसम्मति से अपने सरपंच पद का उम्मीदवार महिला उम्मीदवार सुमन देवी को चुना गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व ग्रामीण पुरुष मौजूद रहे। ग्रामीणों का कहना है कि वो इस बार सुमन देवी को अपना उम्मीदवार बनाया गया और उसे इस बार जिताकर सरपंच बनाने का काम भी करेंगे। आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, किस लिए इकट्ठा हुए हैं आप लोग? हम चुनाव के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसमें सुमन देवी जो हमारी बहन है वो सरपंच के चुनाव में खड़ी है। हम उनको विजयी बनाने के लिए यहाँ पर सब भाई बहन 36 बिरादरी इकट्ठी हुए हैं। क्या नाम आपका? क्या कहेंगे आज यहाँ पे आप सभी महिला इकट्ठी हो रही है? हम सुमन देवी के साथ है और सुमन देवी उत्साह के साथ और वो हमारे सहयोग के साथ है। उन्होंने जो प्रदर्शन है उसके लिए बुलाया कि मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगी और मेरे प्रदर्शन को मत करेंगे। थैंक यू। आपकी बहू चुनाव में लड़ रही है, गांव ने पंचायती उम्मीदवार चुन लिया है, कैसा लग रहा है आप? सही नहीं, अच्छे बोलो, अच्छे नहीं, अच्छे बोलो। तो क्या उम्मीदें रखते हैं आपकी बहू सरपंच बन के आएगी तो? अच्छा काम कराएगी, अच्छा काम करेगी, सब क्या अच्छे काम करेगी, पूरा परिवार साथ है, गांव साथ है। आज कैसा लग रहा है इतने लोग आप लोगों के समर्थन में उतरे हैं? खुश हो रहे हैं। क्या कहेंगे आज किस तरह का यहाँ पे जो पंचायत बुलाई गई है? माहौल है कि हमारा गांव के सरपंच के प्रत्याशी सुमन सैनी है, इसके सारे साथ पूरा का पूरा गांव उमड़ के आ गया और सबका आशीर्वाद है। सुमन जी इलेक्शन लड़ रही है, पूरा गांव लड़ रहा है, हर समाज का हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर औरत इस इलेक्शन को लड़ेगी और बहुत मजे से सब आनंद लेंगे, सबकी कृपा रहेगी। चंद्र जी आप क्या कहेंगे? अनुराग जी मैं तो यही कहूँगा, जो ये प्यार आप देख रहे हो, ये पूरे 36 बिरादरी का जो प्यार मेरे साथ है और पहले भी 36 बिरादरी ने गांव सैनी पुरा पंचायत ने और चार पंचायत और भी मेरे लोग की थी, जैसे उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया और काफ़ी वोटों से उसको विजय कराया, तो मैं उनकी जिम्मेवारियों पे खरा उतरा। तो आगे भी मैं दादाजी हो रहे हैं, पूरा परिवार है, 36 बिरादरी है, जो जिम्मेवारी मेरी लगाई गई मैं उस पर खड़ा रहूँगा। मैं मेरे गाँव की इज्जत को बढ़ाने का काम करूँगा, जी घटाने का नहीं। आपका आप क्या कहेंगे, मतलब जैसे आपने पंचायती उम्मीदवार अब इस पंचायत चुनाव में उतार दिया है? सर गांव की पंचायत की बात करें तो किस तरह का आज यहां पे आयोजन किया गया था? ये हमारे रविंदर भाई हैं, जो भाई के दूसरे इलेक्शन लड़ रही हैं, रविंदर खुद पूरा के BDC रहे हैं, बड़े मिलनसार और बड़े मतलब पढ़े लिखे जो व्यक्ति रहे, इन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है और आशा है कि पूरा गाँव इनको वोट देगा और ये जीतेगा। थैंक यू सर।